ओके जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं तो उसके लिए आपकी कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, फंडामेंटल हैं, उनको करना लाजमी होता है। ठीक है जी, अब वो किस तरह की चीज है बेटा? सबसे पहले तो आपने अपना प्रोजेक्ट सी ड्राइव में सेव नहीं करना, कंप्यूटर की सी ड्राइव में सेव नहीं करोगे अगर आप वेब डिजाइनर हैं या डिजाइनिंग कर रहे हैं या डेवलपर भी हैं। तो कोशिश करें कि आप गिटहब या गिट यूज कर लें। अगर वो आपको नहीं आता तो उसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना सॉफ्टवेयर कहाँ रखेंगे, उसको कहाँ बनाएंगे। तो देखें, आप गिट या गिटहब से अवेयर नहीं है तो आप एटलीस्ट ये कर लो कि कंप्यूटर की सी ड्राइव के अलावा, क्योंकि सी के अंदर विंडो होता है ना, तो सी के हिसाब से कभी भी विंडो हम क्रेक यूज कर रहे होते हैं तो माशाल्लाह कभी भी जा सकता है अलविदा करके। तो बेहतर है ई या एफ के अंदर जाके अपना वो फोल्डर बना लें जो आप बनाने जा रहे हैं, सही है, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। यहां पे आके आप अगर जिस तरह का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं बेटा, उस प्रोजेक्ट का नाम रख दें। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक कोई सॉफ्टवेयर है आयोनिक के नाम से या कुछ भी है, मैं उसका नाम इसी तरह से रख देता हूँ, सही है। आपने इस तरह से क्या कर दिया, उस फोल्डर का नाम रख दिया, यानी अपने प्रोजेक्ट का जो भी नाम है आपने रख दिया। उसके अंदर फिर डेट्स वाइज डेटा रखेंगे, डेट वाइज। ये क्यों? इसके मैं एक बहुत अच्छा तरीका समझा देता हूँ। आज डेट है बेटा 1 मार्च, कौन सा क्लियर है? 1 मार्च के अंदर आके आप फिर से वही फोल्डर का नाम रखेंगे आयोनिक, फॉर एग्जाम्पल, सही है। आपने इस तरह से प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। अब इसके अंदर आपको पता है सारी चीजें जो होती हैं कि आप सी एस एस का एक फोल्डर बनाएंगे, है ना, सी एस एस जावास्क्रिप्ट का अलग से। इसी तरह से अगर इस सॉफ्टवेयर को कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी तो इमेजेस अलग से रखेंगे आप। कुछ जो वेंडर होते हैं या जिनको आप कहते हैं जो आपके एज अ थर्ड पार्टीज होंगे बेटा, वो आप यहाँ रखेंगे। कौन सा क्लियर हो गया? यानी बूटस्ट्रैप, फोंटोसम, है ना, एनिमे डॉट सी एस एस, वाओ जेस, इस तरह की सी डी एन्स वगैरह, या उसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे ना आप लोग, तो वो सारे के सारे इस वेंडर्स के फोल्डर में होंगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे आके अगर कुछ वीडियोस अपने आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करेंगे तो आप वीडियोस को अलग फोल्डर में रखेंगे, बाकी जो आपके एचटीएमएल के वेब पेजेस हैं वो बाहर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा क्लियर हो गया? ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि आप जब भी किसी वेबसाइट को डिजाइन करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, तो इस तरह से चीजों को फॉलो कर लें, सही है बेटा। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, डेली बेसिस पे जब आप रात को सो, काम करने के बाद, तो क्या कर लो, इस सॉफ्टवेयर को या इस फोल्डर को जिप करके किसी क्लाउड पे रख दो, मीडिया फायर वगैरह। इसका फायदा क्या होगा? सिंपल है, कल को आपके हार्ड ड्राइव में भी बेट सेक्टर वगैरह आ सकते हैं, है ना। तो अगर ये आपकी हार्ड ड्राइव ही उड़ा देता है कल को, ऐसा हो जाता है कि हार्ड ड्राइव इधर उधर हो जाती है, तो जो काम किया होता है वो तो चला जाता है ना बेटा, ऐसा ही है ना। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो चीजें हैं, जो फोल्डर्स रिक्वायर्ड थे, वो आपने बना लिए। उसके बाद आप चीजों को थोड़ा नोट करें कि अब क्या करना है। देखें, आपको जो एसआरएस मिली है, जिसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, ये लाजमी नहीं है। कुछ यूजर ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल माशाल्लाह होते हैं, वो आके वर्बली बता देते हैं, फिर ये फाइल आपको खुद बनानी पड़ती है। एज इट इज नहीं, भले आप किसी वर्ड पे नोटपैड पे लिख दें कि भाई बंदा ये चाह रहा है, दैट्स इट, या वो वेबसाइट आके बता देते हैं कि भाई इस तरह की वेबसाइट बना के दे, तो आप उसको फॉलो करके आप बना देते हो, सही है। लेकिन कुछ इस तरह के यूजर होते हैं जो पूरा एक फाइल बना के दे देते हैं कि भाई मुझे जो है वो इस तरह की पूरी एप्लीकेशन चाहिए, ये चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉलो करके बता देता हूं कि भाई हमारे पास ये जो आयोनिक का एक सॉफ्टवेयर आया है, इसमें क्या क्या चीजें बनानी है। तो आयोनिक इज अ सेलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड फ्रेम्स। तो आपकी कंपनी है जो क्या बेचती है, लेंसेज और फ्रेम, जो आई होप ये जो है वो किसके होते हैं, ग्लासेस के, है ना। इस तरह से कंपनी हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स एंड लेंसेस। तो ये लेंसेस बनाने वाली या फ्रेम जो बनते हैं ना, उनके लिए एक कंपनी है
जो एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, द कंपनी एडवर्टाइजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द पंपलेट्स, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन एंड सो ऑन। ये जो पहले काम करते थे कि अपनी कंपनी की मार्केटिंग के लिए ये पंपलेट लगवाते थे, जैसे रोड वगैरह पे आप देख रहे होते हो ना, या फिर ये क्या करते थे टेलीविजन के अंदर जो इश्तिहार होते हैं वो दिलवाते थे, ताकि इनकी कंपनी की पब्लिसिटी हो और इनकी कंपनी गिरो। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? यानी बिजनेस गिरो। अच्छा, अब इसके बाद इन लोगों ने क्या सोचा, ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट इन इंटरनेट। अब जैसे कि आप जानते हैं आजकल तकरीबन बिजनेसेस भी ऑनलाइन हो चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट का हमारा इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। मोबाइल डिवाइसेस हैं हमारे पास या कंप्यूटर्स हैं, आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, इंटरनेट पे हो चुकी हैं। तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि कंपनी डिसाइडेड टू लॉन्च अ वेबसाइट वेयर पीपल विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद देम इजिली। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे देखें, फॉर एग्जांपल, अगर किसी तरह का फ्रेम किसी बंदे को चाहिए तो वो आके वो किसी शॉप पे जाके पूछता है, या उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको जाके पहले इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी फिजिकली जाना पड़ता है। ऐसे ही है ना? तो ये लोग चाहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी किसी वेबसाइट पे अवेलेबल हो, वहां से किसी बंदे को भी हमसे कांटेक्ट करना हो, कोई ऑर्डर देना हो, कोई भी चीज करनी हो, तो वो डायरेक्ट वहां से हमारी इंफॉर्मेशन पढ़ के या हमारी कंपनी के अबाउट पढ़ ले कि हमारे पास क्या क्या किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, किस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं। जाहिर है आप अपने कुछ सैंपल तो रखोगे ना वेबसाइट के ऊपर, सही है? और ये बहुत ही चीपेस्ट वे है मार्केटिंग का, इफ यू आर गोइंग टू वर्क विथ यू कैन से वेबसाइट्स। ठीक है, अगर आप बात करते हो जैसे पंपलेट है, अगर छोटा सा पंपलेट भी प्रिंट करवाओ कितने का होता है, 500 to 1000। और ऐसे अगर 1000 लगवाने तो आप सोचे कितने लगेंगे। ठीक है, अगर आपको एक सिटी कवर करना है, सही है? तो इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हमारे पास वो एक वेबसाइट हो जो शायद कि 30-40,000 के अंदर ही बन जाएगी पूरी कंप्लीट, डिजाइन है फिर तो ये 10,000 में बन जाएगी। सही है, आजकल तो 5,000 में बना के दे रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह से तो आपकी वो वेबसाइट जो आप डिजाइन करेंगे या डेवलप करेंगे वो चीपेस्ट है एज कंपेयर टू योर अदर काइंड ऑफ यू कैन से वेज टू मार्केट योर बिजनेस, या मार्केटिंग उसकी अगर करवाना चाहते हैं बिजनेस की, तो आपकी इंटरनेट थोड़ा सा जल्दी ग्रो करती है आपके बिजनेस को। देखें, आजकल के जितने भी टॉप रिचेस्ट पीपल हैं या पर्सन हैं जो हमारे, वो हमारे पास क्या है, जो ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर जिनके बिजनेस हैं, या कंप्यूटर के बिजनेस हैं, या कंप्यूटर रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस, ऐसे ही है ना? अच्छा, तो इसकी वजह हमारी ये है कि हम एंड यूजर्स ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे आपको वो चीजें एज अ एडवर्टाइज करनी चाहिए, तो बेहतर तरीका है। सही है जी? तो इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों एक वेबसाइट बनानी चाहिए और जिसके थ्रू ये लोग अपने बिजनेस को ग्रो करें। खैर, उसके बाद क्या करना है जी, अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि वेबसाइट जो आप बनाएंगे इनके लिए वो आपकी जो है वो, अच्छा, लोगो बेटा इसी नाम से बनेगा। प्रोजेक्ट का जो लोगो होगा वो किस किस नाम से बनेगा, आयोनिक के नाम से। सही है, उसके अलावा आपकी जो चीजें हैं, टाइटल होगा वेबसाइट का वो भी इसी नाम से रख दो। जो इंफॉर्मेशन आप उठाएंगे डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं होगी, इंट्रोडक्शन के अंदर आप यही लिख देंगे कि ये कंपनी जो है वो, ये जो कुछ लाइंस लिखी हुई थी, आप जाहिर इंट्रोडक्शन रखेंगे ना होम पेज पे, सही है? और नीचे बताया होगा कि कौन सी चीज कहाँ लोकेट करेंगे आप। यहां बताया हुआ है कि होम पेज शुड कंटेन लोगो ऑफ यूज, सॉरी, लोगो ऑफ द साइट। तो आपका होम पेज जो होगा उसके ऊपर आपको क्या होना चाहिए, एक लोगो आपने बनाना है। ओके जी, उसके बाद विथ प्रॉपर सेक्शंस एंड डिटेल्स ऑफ फ्रेम्स लेंसेज विथ सुटेबल इमेजेस। तो आपने क्या करना है बेटा, होम पेज पे आप कुछ फ्रेम्स की इमेजेस, ठीक है, या आपकी कुछ इमेजेस जो सुटेबल हो फॉर द यू कैन से आपके जो लेंसेज हैं उसके हिसाब से होम पेज के ऊपर आपकी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको कुछ मसला है, नहीं समझ में आ रही चीज़ें, तो काइंडली कोशिश करें इससे रिलेटेड जो हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनको सर्च कर लें। सही है कि उन वेबसाइट्स के ऊपर किस तरह से काम किया हुआ है, उनके होम पेज पे किस तरह से काम है, लेकिन आपको इनकी रिक्वायरमेंट जरूर फॉलो करनी है, भले वहां पे कुछ भी हो। ठीक है,
आपको इसको जरूर फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आए, तो यू हैव टू फॉलो सच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कल को आप किसी एंड यूजर के लिए इसी तरह सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तो अपनी मर्जी थोड़ी करेंगे, आप तो उसकी मर्जी से काम करेंगे ना, वो आपको पे कर रहा है, तो आपको इस तरह से बताएगा आपको क्या क्या करना है। तो होम पेज के ऊपर आपका एक क्या होना चाहिए, लोगो होना चाहिए वेबसाइट का। लोगो कहाँ से बनाएंगे, मैंने बताया था कैनवास वगैरह यूज कर लें, अदर फ्री साइट्स बहुत हैं, अगर आपको फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप यूज कर लें, ठीक है जी, इलस्ट्रेटर आता है वो यूज कर लें, वरना SVG इमेजेस को यूज करके कुछ जुगाड़ वगैरह के थ्रू भी बना सकते हैं, या हमारे आइकन्स मिल जाते हैं उनको ट्रांसपेरेंट बना के आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, द साइट शुड डिस्प्ले अ मेन्यू विच विल कंटेन द ऑप्शंस फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस फ्रेम्स एंड लेंसेस अवेलेबल। तो आपकी जो हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, एक मेन्यू होना चाहिए जिसके अंदर आपके ऑप्शंस होने चाहिए और आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए लेंसेस की, लोकेशन ऑफ द शॉप एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। जैसे देखें बेटा, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं होती, एक मेन्यू दे दिया, क्लिक करें तो कुछ आइटम ओपन हो जाए और आप वहां पे लिखो फ्रेम्स के अबाउट इंफॉर्मेशन, लेंसेस के अबाउट इंफॉर्मेशन, या लोकेशन शॉप की, कहाँ है आपका शॉप। जैसे किसी भी शॉप की आपने जो है वो क्या दे दी, मैप दे दी, क्लिक करें तो मैप पे चला जाए। कौन सा क्लियर है, इस तरह से मैं आपको एक जो है डमी दिखा देता हूँ किस तरह से काम होगा। उसके बाद क्या है जी, द इंफॉर्मेशन शुड बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द ब्रांड नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। लाइक इफ अ यूजर वॉन्ट्स टू सी ओनली Ray-Ban प्रोडक्ट्स और एनी अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स, देन ही शी कैन क्लिक। अच्छा जी, सिंपल है बेटा। देखो, जैसे आप किसी भी तरह का मोबाइल खरीदने जाते हैं तो अलग अलग ब्रांड होते हैं ना, कि नोकिया का खरीदना है, सैमसंग का खरीदना है, आईफोन का खरीदना है, सही है, तो कैटेगरीज बनती है उनकी। इसी तरह से आप जब ये वेबसाइट बनाने जा रहे होंगे, डिजाइन करने जा रहे होंगे, तो इसके लिए आपका एक कैटेगरी का ऑप्शन होना चाहिए आपके नेविगेशन में। किसमें, जैसे देखें आपका एक लोगो हो गया लेफ्ट में, हेडर हो गया, उसके बाद नेविगेशन आ गई, तो नेविगेशन के ये मेन्यू बता रहा है उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो कैटेगरीज का एक मेन्यू भी होगा, होम भी होगा, अबाउट भी होगा, कॉन्टेक्ट भी होगा, सही है, और क्या होगा, एक कैटेगरी। फिर क्लिक करें तो आपकी ये तकरीबन कैटेगरीज आ जाए, और कैटेगरीज के अंदर हमारे पास क्या हो, ब्रांड वाइज आपकी चीजें, या आप नेविगेशन के अंदर लिख दो ब्रांड, सही है, फिर क्लिक करें तो आपके मल्टीपल ब्रांड ओपन हो जाए। जैसे इसने एग्जांपल में बताया हुआ है कौन सा है, Ray-Ban, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट है इनकी, कि एन अदर कैटेगरी ऑप्शन ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज सनग्लासेस ETC। तो आपको कुछ और कैटेगरी भी ऑप्शन रखनी है कि जहां से वो बंदा आके क्या करे, कॉन्टेक्ट करे लेंसेस को, सनग्लासेस को, या और जो भी चीजें हैं उनको। कौन सा क्लियर है, यानी इनके अलग अलग आपके कुछ क्या बनेंगे, कैटेगरीज बनेंगे। शुड बी क्रिएटेड अकॉर्डिंगली द प्रोडक्ट शुड बी लिस्टेड। कौन सा क्लियर है बेटा, ऐसा ना हो कि एक आइटम पे क्लिक करे तो चीजें दूसरी आइटम की नजर आ रही, ऐसा ना हो, सही है, ठीक है जी। आप डमी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन डमी टेक्स्ट एज इट इज लोरेम इप्सम वाला टेक्स्ट ना हो, क्योंकि एटलीस्ट इस तरह का थोड़ा रिलेटेड तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट कोई करेक्ट करके आप वो कंटेंट लिखो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसी वेबसाइट से देख के उसी प्रोडक्ट की इमेजेस भी तो उठाएंगे ना आप इधर उधर से, तो इमेजेस जब आप लगा रहे हो तो उसके साथ जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगी तो डिस्क्रिप्शन थोड़ी वैलिड हो। अच्छा, अ ब्रीफ समरी ऑफ फीचर्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, बट डिटेल फीचर्स शुड बी स्टोर्ड इंडिविजुअल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक चीज बेटा याद रहे, जैसे आप लोगों ने देखा है कि किसी प्रोडक्ट को आप खरीदने जाते हैं, वहां पे होता है कि मोर इन्फो, और क्लिक करते हैं तो एक फाइल मिल जाती है उस प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन। जैसे देखें, आप सिम खरीदते हैं ना, या आपने कोई मोबाइल खरीदा, तो उसको यूज करने का एक पूरा तरीका होता है। इसी तरह से अगर कोई बंदा प्रोडक्ट आपसे खरीदने आता है तो आप क्या करेंगे, MS Word में 2-3 इमेजेस उसी प्रोडक्ट की, सही है, और उसके अलावा कुछ चीजें। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे देखें, ये कह रहा है बेटा कि आपकी, सपोज आपने बताया कि ये गिलास, सही है, उसकी ये आगे डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ बटन होते हैं,
रीड मोर सुना है या डाउनलोड आ रहा होता है। अब इस पे क्या होगा, जब आप क्लिक करें तो इसी प्रोडक्ट की एमएस वर्ड में कुछ चीजें अवेलेबल। अब कैसे देखें, आप क्या कर दोगे बेटा, एक वर्ड फाइल अलग से बनाओ इस तरह से, यानी यहां पे आप आए उसी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल गिलास है कोई, यहां पे आपने कहा ये गिलास है ठीक है, और इसकी पिक्चर है नीचे, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, और नीचे एक बटन है डाउनलोड का, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर आप इस पे क्लिक करो तो क्या हो जाए, ये वाली फाइल डाउनलोड हो जाए, एमएस वर्ड की फाइल क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए, और ये आपके वेब ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन फीचर है, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। करना क्या है, देखें आप बटन बनाते हो ना, इससे पहले एंकर लगा दें, हाइपर रेफरेंस के अंदर वो वाली फाइल दे दें, रिडॉक्स वाली फाइल, एमएस वर्ड वाली फाइल है ना, वो एमएस वर्ड वाली फाइल यहां पे दे दें कवर करके, और ये आपका डाउनलोड का बटन इसके अंदर हो, और यहां पे आके एंकर बंद कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा, हाइपर रेफरेंस जाके एमएस वर्ड वाली फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, सही है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, जिस प्रोडक्ट, सपोज ये गिलास है ना, इस प्रोडक्ट के लिए यहां पे आके क्या बना देंगे आप, सपोज एक फाइल अलग अलग बनाएंगे, ऐसी पांच छह फाइल्स बना दी, फिर सारी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते रहो, फर्क नहीं पड़ता। यानी ये एक इमेज ऐसी, यानी उसी प्रोडक्ट की दो तीन इमेजेस रख दी आपने, ठीक है। फिर मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां पे तो नहीं दे सकते ना, तो आप एटलीस्ट यहां पे एमएस वर्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इस तरह से आपने इंफॉर्मेशन भी दे दी। इस फाइल को सेव करेंगे और हाइपर रेफरेंस के अंदर आके वो फाइल दे देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वो बंदा जैसे ही वेबसाइट पे जाके डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा, वो वाली फाइल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, सही है। तो इस तरह से वो चीज बोल रहा है आपकी इस पॉइंट के अंदर कि ब्रीफ समरी हो हर प्रोडक्ट की, कोई लेंस आप भेज रहे हैं तो उस लेंस की कुछ पिक्चर्स एमएस वर्ड में अलग हो, उसकी डिस्क्रिप्शन हो, और आप जब क्लिक करें तो वो चीजें डाउनलोड हो जाए, नीचे एक बटन हो डाउनलोड का। उसके बाद क्या है जी, द यूजर शुड आल्सो बी एबल टू कंपेयर द वेरियस प्रोडक्ट्स और डिफरेंट एज वेल एज सिमिलर ब्रांड्स। तो अगर बंदा चाहता है, जैसे देखें बेटा, अभी तो आप डिजाइन कर रहे हो ना, डेवलपमेंट तो है नहीं, ये फंक्शनलिटी तो होगी नहीं, लेकिन आप डिजाइन तो दे सकते हैं ना, सही है। आप जब कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, उसको कंपेयर करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, आप एक ऐसा मोबाइल खरीदने जा रहे हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बेटा आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं ना, एक एचपी का होता है, एक डेल का होता है, सही है, और दोनों कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, कंपनी का नाम, जनरेशन कौन सी है, सीपीयू कितना है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, फिर आपसे कंपनी के हिसाब से पैसे मांगे जाते हैं, है ना, कि ये कंपनी अगर आप लेते हैं तो इतने पैसे बनेंगे, ये लेते हैं तो इतने। तो बेटा वहां पे भी लेंसेज होंगे डिफरेंट ब्रांड के, फ्रेम होंगे डिफरेंट ब्रांड के, इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ग्लासेस होंगे डिफरेंट ब्रांड के। आपने सिर्फ ये करना है, आप कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स बना देंगे जिनको बस कंपेयर करते हैं, एक इमेज यहाँ हो, एक ब्रांड की प्रोडक्ट ये है, दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट ये है, इनके बीच में एरो लगा दिए कि भाई हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये भी सेम तरह का ग्लास है, ये भी सेम तरह का है, लेकिन कंपनी चेंज है। तो जाहिर है आप इनकी प्राइस भी मेंशन करेंगे ना, कि इस कंपनी का अगर आप कोई ग्लास लेते हैं तो इतने पैसों का मिलेगा, इसका लेते हैं तो इतने पैसों का मिलेगा, तो बीच में एरो, यहाँ एक प्रोडक्ट, वहां पे भी एक प्रोडक्ट, यानी एक लेंस यहाँ पे, सही है, अलग ब्रांड का लेंस, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है जिसका ये लेंस है, और बी एक ब्रांड है जिसका ये लेंस है, सही है। आप इनको कंपेयर करवा देंगे, बेटा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिजाइन बनाना, ऐसे 5-10 प्रोडक्ट रख दी, उनको आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ इमेजेस, वहां पे कुछ इमेजेस, और कुछ इंफॉर्मेशन नीचे कि ये लेंस जो है वो, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, और नीचे आपने लग दिया कि इसकी प्राइस इतनी होती है, और इस लेंस की आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रख दी, और आप प्राइस भी डाल देंगे कि ये सस्ता है या महंगा है, व्हाटएवर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपने सिर्फ यही कंपेयर में दिखाना है कि आपके डिफरेंट ब्रांड के लेंसेज, ग्लासेस जो हैं वो किस तरह से आपके प्राइसेस में कितने वेरिएशन हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो इस तरह से आपकी वेबसाइट पे ये वाला ऑप्शन भी होगा कि आप दो तरह के ब्रांड को क्या कर रहे होंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे या उसको सिमिलरिटीज बता रहे होंगे कि भाई इस तरह का लेंस यहाँ से भी खरीदो वहाँ से भी खरीदो तो सेमी प्राइस है, ठीक है जी। उसके बाद देयर शुड बी अ कॉन्टेक्ट अस पेज विथ विच विल हैव द एड्रेस ऑफ कंपनी विच। अच्छा जी, ये सिंपल बात है बेटा कि जब भी आप कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म दे रहे होते हैं तो कॉन्टेक्ट अस वेबसाइट्स के अंदर देखा है ना, या तो आपको एक फॉर्म हो रहा होता है जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट करते हैं उनसे, या वो कंपनी अपना ईमेल एड्रेस नेम इस तरह की चीज़ें दे रही होती है, या वो अपना मैप लगा देता है। क्या लगा देते हैं? मैप। वो मैप लगा के आपसे वो आपके उनके अबाउट आपको बता रहे होते हैं, ठीक है जी, कि अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या हमारे अबाउट जानना चाहते हैं तो अबाउट का जो मेन्यू होगा उसमें आप मैप रखते हैं, अबाउट अ कंपनी, सही है, कंपनी के अबाउट बताया और नीचे एक क्या लग दिया, एग्जिस्टेंस के नाम से हेडिंग लगा के कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं या कहाँ हैं, या डायरेक्शंस लिख दिया और नीचे आपने मैप रख दिया, वही वाला मैप एम्बेड करवाते हैं जो हम, ठीक है जी, ये हमने की हुई है चीजें। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट अस का एक क्या बना देंगे, पेज बना देंगे। चले मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको एक डमी प्रोजेक्ट जो बच्चों ने ऑलरेडी बनाया है वो दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा क्या बनाना है, ठीक है जी। मैं यहाँ आता हूँ और एक प्रोजेक्ट जो यहाँ से आते हैं जी, ठीक है, ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया हुआ है, मैं वो दिखा देता हूँ इस पर किस तरह से काम किया हुआ है। ये देखें कॉन्टेक्ट अस का पेज इन लोगों ने कैसे डिजाइन किया है, दिख रहा है बेटा, ये इसी तरह से बना देगा, सिंपल है, लाजमी नहीं एक एज इट इज हो, आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं, सही है। ये एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो बच्चों ने बताया, और देखें नीचे इन लोगों ने मैप भी लगाया हुआ ना कि इनका शॉप या इनकी कंपनी कहाँ है, उनसे क्लियर है बेटा। आप भले अपना एड्रेस दे दें, कोई भी लोकेशन डाल दें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, ये हो गया। इन लोगों ने एपटेक का रखा हुआ है तो आपकी मर्जी है। चले मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ इन लोगों ने भी किस तरह से किया। बेटा देखें ये इन लोगों का डी के नाम से जो है वेबसाइट थी, इन लोगों ने भी देखे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से रखी हुई है, आप भी लेंसेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन इसी तरह से रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और देखें इन लोगों ने इस तरह से काम किया, आवर पे इमेजेस चेंज हो रही है, ठीक है, और ओपेसिटी अप्लाई है, जूम करने पे आपकी वो इमेज ओपन होके नजर आ रही है, ठीक है बेटा, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। फिर देखें आपका ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका कुछ है नहीं, डिजाइन है ना सिंपल, आप नीचे क्या रख दोगे, डाउनलोड मोर इन्फो एक बटन होगा और उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड का फाइल डाउनलोड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस ये कर दो। बाकी डिजाइन लाजमी नहीं ये फॉलो करें, आप अपने हिसाब से फॉलो कर दें चीजों को, ठीक है बेटा। इन लोगों का फूटर भी देखें, फूटर इन लोगों ने बनाया है सही से, लेकिन थोड़ी सी फॉन्ट स्टाइल और लोरे में सम का टेक्स्ट रखा है तो थोड़ा बड़ा बुरा लग रहा है, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने खुद की हुई है, कोई टेम्पलेट नहीं उठाया हुआ, तो आप कोशिश करें खुद से पहले ट्राई करें। देखें ऑल प्रोडक्ट्स इन लोगों ने इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स की गैलरीज और सारी प्रोडक्ट्स की चीज़ें इस तरह से बताई है, ये देखें शोरी कुछ कंपोनेंट उठा सकते हो, ये गैलरीज उठाई हुई हुई हैं, ठीक है जी, ओके। देखिए लुक एंड फील बेहतर नजर आ रहा है ना आपको, तो इसी तरह से आपकी भी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद यहां पे देखें इन लोगों ने लॉगिन पेज का काम किया हुआ है, ठीक है, इन लोगों को रिक्वायरमेंट थी लॉगिन पेज बनाना है, आपके पास कहीं नहीं लिखा हुआ लॉगिन पेज, अगर आप फिर से भी रखना चाहते हैं तो बेहतर अप्रोच है, ठीक है जी, साइन अप करना है तो साइन अप करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इन लोगों ने देखिए कंट्रास्ट बेहतर रखे हुए, लग रहा है ना प्रोफेशनल वे है, तो आपको भी थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन करना, और ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई है, एवरीथिंग जो आपने पढ़ी है वो सबका सब यहाँ पे गिवन है। इन लोगों ने देखे इनकी कैटेगरीज इस तरह से, आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है तो कैटेगरीज बेटा अलग से होंगी, लाइक ब्रांड्स के नाम से आपने पढ़ा था ना, ठीक है, ब्रांड बाय इवेंट्स तो आप यहां पे लिखेंगे, सॉरी प्रोडक्ट्स बाय ब्रांड, ठीक है जी, इसी तरह से लिख के आप काम करना शुरू कर देंगे। अबाउट अस में देखें इन लोगों ने क्या बताया, इनको कहा गया था कि अपनी फाउंडेशन के इनकी कंपनी कब शुरू हुई थी, इनका विजन क्या है, मिशन क्या है,
इनको ये रखना था, इनकी रिक्वायरमेंट थी कि तीनों चीजें देनी है, इन लोगों ने रखी है, आपके पास ऐसा कोई सीन नहीं है, आप सिर्फ कंपनी के अबाउट रख दे चीजें, कंपनी के अंदर अबाउट जो चीजें रखेंगे, जो बेटा आपको ये डॉक्यूमेंट मिला है इसके अंदर ये जो इंट्रो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है ना, कहाँ पे ये रहा, एक मिनट रुक जाए, ये कुछ इंट्रो दिया हुआ है ना कंपनी का, ये वाला कि आयोनिक कंपनी क्या थी, है ना, तो ये इंफॉर्मेशन आपने डाल दिया कि आयोनिक एक कंपनी है और ये क्या क्या करती है, किस तरह की प्रोडक्ट बनाती है, ये इंफॉर्मेशन अबाउट अस के अंदर आप रख देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, सही है। और उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो इन लोगों ने यहाँ पे भी अपना एक मेप रखा हुआ है सेम एज इट इज, तो आप अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस दोनों में रख दें, या फूटर में भी आप यहाँ पे मेप रख सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स फूटर में अपना मेप लगा देती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। और एक चीज जो मुझे यहां इनकी नहीं मिल रही, वैसे दी हुई है बहुत सारी चीजें, लेकिन आपने ये करना है कि जो नेविगेशन है इनकी, नेविगेशन के तकरीबन लिंक्स ये जो नजर आ रहे हैं आपको यहां अवेलेबल है, तो आप काइंडली कोशिश करें कि फूटर में भी इस तरह के लिंक रख दें, ताकि जब बिल्कुल नीचे आ जाए बंदा, क्योंकि इन लोगों ने क्या नहीं बनाया हुआ, नेविगेशन को स्टिकी नहीं बनाया हुआ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपने क्या करना है फूटर से ही लिंक्स प्रोवाइड कर दें, और नीचे जाके कहीं पे भी फिर वो बंदा बिल्कुल लास्ट में जब वेबसाइट गया तो क्लिक करके फिर किसी मेन्यू पे तो जा सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो बिल्कुल बॉटम में लिंक्स भी दी जाती हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स की लिंक बॉटम में होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेविगेशन में तो चीजें होती हैं, लेकिन जो आपका फूटर है उसके अंदर भी ये चीजें होती हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये देखा जाता है कि आप नेविगेशन के अलावा भी चीजें फुटर में दे रहे हो, सही है, ये प्रोफेशनल वे है, अब आपके ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि वो बंदा क्या चाहता है आपसे, सही है, अगर आपको एंड यूजर जो सॉफ्टवेयर बनवाने आता है आपसे, वो अगर कह रहा है ये, तो आपको उसी को फॉलो करना है भले वो कुछ भी कहे, वो पैसे दे रहा है आपको, जैसे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता आपको उसको काम करके देना है, तो उसकी माननी है चाहे वो कुछ भी बनवा ले आपसे, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, उसने पैसे दिए, टाइम दिया है 2 घंटे 15 घंटे का, आपने उससे पैसे लिए हैं, आप उस 15 घंटे को यूटिलाइज करवाएं, उसका जो भी काम बनता है उसको पूरा करके बता दें, दैट्स इट, ठीक है जी। ये था आपका एक सिंपल प्रोजेक्ट, जब आप बनाने जा रहे हैं तो कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए ये मुझे समझाना था, तो काइंडली इस तरह की चीज़ों को फॉलो करके आप एटलीस्ट करें। अच्छा देखिए फायदा क्या था, मैंने आपको कहा कि बेटा जब प्रोजेक्ट एक दिन जब आप काम करके सो रहे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 5 दिन का आपने काम कर लिया, मैं आपको कह रहा हूं हर डेट का अलग कोड सेव करें, कोड करने का मकसद देखें, आपने आज कोड किया कल आप क्या करेंगे, मैं आपको यहां आके बता देता हूं, ये देखें मैं यहां आता हूं, ई ड्राइव के अंदर आयोनिक के नाम से आपने ये बनाया था फोल्डर है ना, अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कल कोडिंग शुरू करूंगा, आज मैंने जो भी कोड किया इस फोल्डर में ना, मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा अगेन, और इसको रीनेम करके अब इसको कहूंगा मैं टू मच, यहां से काम अब शुरू करूंगा, इसका फायदा क्या होगा सुन लें, कभी कभार ये होता है आप 10 दिन कोडिंग सही कर रहे होते हैं, 11वें दिन पे आप उसका सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर सारा कोड गया, पीछे कैसे जाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट 10 दिन का किया हुआ कोड तो बचे, कुछ समझ में आ रहा है, तो ये इसलिए बोल रहा हूं, और कल को हार्ड जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर बैड सेक्टर वगैरह आ जाते हैं तो प्रोजेक्ट तो गया सिस्टम से, तो इसलिए कह रहा हूं जो काम करो रात सोने से पहले इसको जिप करके ईमेल कर दो खुद को, या मीडिया फायर पे अपलोड करो, कौन सा क्लियर हो गया, ताकि खुदा ना खास ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो आप क्या कर लेंगे वहां से डाउनलोड करके फिर से काम करना शुरू कर दें, फिर से बैठ के पूरी वेबसाइट डिजाइन या डेवलप नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा समझें, इसके लिए गिटहब और आपकी और रिपोजिटरीज होती हैं जहां डेवलपर्स काम करने के बाद जब वो एंड करके जा रहे होते हैं या वाइंड अप कर देते हैं तो फिर वो अपलोड कर देते हैं को, ताकि नेक्स्ट डे पे आके फिर वहीं से काम शुरू हो जाए, और डे बाय डे, फॉर एग्जांपल आपको ये 20 दिन का प्रोजेक्ट है तो आप डे बाय डे कोडिंग क्या कर रहे होते हैं, कहीं रख रहे होते हैं, ताकि किसी भी दिन से आपको लगे यार यहां से मैंने कोडिंग खराब करना शुरू की है, सपोज 10 दिन तक कोड सही किया फिर
बाद 10 दिन के बाद जो 5 दिन मैंने कोडिंग की है वो पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ढांचा जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप वो 5 दिन का कोड छोड़ के बाकी जो 10 दिन तक पड़े थे उसमें से कोड उठाएंगे, फिर से काम शुरू कर देंगे, तो काम बचेगा ना, अब टाइम बचेगा, तो ये सोचें। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है प्रोसेस, लेकिन हाँ आप एज ए बिगिनर हैं तो एटलीस्ट आपको ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आप जो है वो कुछ अवेयर हो जाए।